हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग जीपी रेटिंग या फिर सीसीएमसी करने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपको आई थिंक दिख गया होगा। तो उस टॉपिक का नाम क्या है कि कौन कौन सा कंपनी आता है प्लेसमेंट के लिए इन टीएस रहमान फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी कोर्स। मतलब अगर आप वहाँ से जीपी रेटिंग या फिर सीसीएमसी कोर्स करेंगे तो आपको किस कंपनी में जॉब मिलने का चांसेस है और कौन कौन सा कंपनी वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आता है। तो अगर आपने टीएस रहमान का फॉर्म अब तक फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर दीजिए, उसका डेट भी खत्म होने वाला है। ठीक है, मतलब फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी दोनों के लिए, बिकॉज ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आपको टीएस रहमान का जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो लिंक से वो स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वो भी एकदम अपडेटेड स्टडी मटेरियल एज पर दियर सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो भी कंपनीज आता है टीएस रहमान में फॉर आपका प्लेसमेंट फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी कोर्स, जो पहला नंबर पे है आपका एंग्लो ईस्टर्न। तो आप ये कहीं पे नोट कर लीजिए, एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट, ये मोस्टली हर साल आता है। तो ये लोग, इनका क्या प्रोसेस होता है, ये लोग आके फिर आपका एग्जाम लेगा। मतलब उनका हर का एक कंपनी का अलग सा एक फॉर्मेट होता है सिलेक्शन का। तो वो कंपनी आके आपका एग्जाम लेगा, मतलब ऑनलाइन, मतलब वहीं पे बैठा के आपका एक पेपर में उनका। अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे फिर आपका होगा इंटरव्यू, फिर आपका होगा साइकोमेट्रिक, फिर तो मेडिकल नॉर्मल सा चीज़ है, मेडिकल तो क्लियर हो ही जाएगा। तो जो कंपनी का नाम है, फर्स्ट है आपका एंग्लो ईस्टर्न, सेकेंड है फ्लीट मैनेजमेंट, थर्ड है अदानी शिपिंग, फोर्थ है JSW, फाइव कार्निवल एक क्रूज कंपनी है, और सिक्स कंपनी है एम ऑयल। तो ये कंपनी मोस्टली आते हैं वहाँ पे, और भी कोई नया कंपनी, फिर नेक्स्ट साल शायद और कोई नया कंपनी आ भी सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है इसी के ऊपर, तो यही सारा अभी 6-7 कंपनी आया था लास्ट ईयर, एक दो तीन साल पहले। तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट आपका अच्छा है, मोस्टली सबको चांस मिल ही जाता है। या फिर अगर आप ऐसा होता है कि आप टीएस रहमान से कोर्स किए हैं बट आपको कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, सब कुछ कि आपका किसी भी कंपनी में नहीं हुआ, तब आपके पास और एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि आपका सिनर्जी मेरीटाइम, बिकॉज सिनर्जी हर साल जॉब के लिए एग्जाम लेता है। तो अगर आप जीपी रेटिंग सीसीएमसी किए हुए हैं तो अगर आप कोर्स करने के बाद, तो आप सिनर्जी का फॉर्म फिल कर सकते हैं उनके एग्जाम के लिए। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे फिर आपका जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सिनर्जी का स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर जीपी रेटिंग तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का। जो मेरा स्टोर है, जो ऑनलाइन जो ई बुक का स्टोर है, आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल का लिस्ट मिल जाएगा। तो बस मैं यही चीज़ बोलने के लिए वीडियो बना था, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर किस किस कंपनी का प्लेसमेंट मिलता है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बना था। आपके जो भी दोस्त भी टीएस रहमान में ट्राई कर रहा है या फिर टीएस रहमान में जाने के सोच रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो मैं इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।